सुख समृद्धि धन धान से भरपूर सुख शांति तभी संभव है जब हमारा किसान सुखी रहेगा, अच्छी फसलें होंगी। कि हम अच्छी वर्षा मंगल कामना को लेकर हमने यह यात्रा निकाली थी। आज हम सब माँ बगाज माता के चरणों में नजरबाग प्रांगण से संपूर्ण नगर की परिक्रमा टिकौड़ी करते हुए सीधे माँ बगाज माता के दरबार में पहुँच रहे हैं। और जनभावनाएं थी कि अच्छी बरसात हो, मांगने के पहले ही उनने पानी गिरा दिया है। ये बगाज माता वास्तव में सच्ची मैया है। इन बगाज मैया के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता। तो सारी जनता एक फोन पर ही चली आई, ना मैंने ट्रैक्टर बुलाया ना मैंने वाहन बुलाया, सब अपने अपने वाहन, कोई ट्रैक्टर कोई मैजिक, जिससे जो बन पड़ा वो सब लेके आए हैं। निश्चित तौर पर ये माँ की कृपा बरस रही है और ये माँ की कृपा निरंतर इस टीकमगढ़ विधानसभा में बरसेगी। नमस्कार, इस वक्त हम लोग टीकमगढ़ में हैं। टीकमगढ़ में आप सबको पता है कि आज भाजपा विधायक राकेश गिरी द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई, और चुनरी यात्रा निकालने का कारण भी सबको पता है कि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई जिससे मूँगफली की फसल सूख रही थी और किसान परेशान हो रहा था। इसी मन्नत के साथ आज ये यात्रा निकली थी और यात्रा पूरे होने से पहले ही जोरदार बारिश हुई है, डेढ़ घंटे से पानी बरस रहा। विधायक जी, क्या निश्चित तौर पर इस यात्रा का उद्देश्य था कि हम अच्छी वर्षा मंगल कामना को लेकर हमने यह यात्रा निकाली थी। यह यात्रा हमारी यात्रा नहीं थी, यह यात्रा जनता की यात्रा थी। और जनभावनाएं थी कि अच्छी बरसात हो, किसानों की अच्छी फसलें हों, जब किसानों की अच्छी फसलें होंगी तो सब व्यापार चलेंगे, सुख समृद्धि हो, सबके घर धन धान से भरपूर हो। तो सुख समृद्धि धन धान से भरपूर सुख शांति तभी संभव है जब हमारा किसान सुखी रहेगा, अच्छी फसलें होंगी। अच्छी फसलों के लिए पानी की ज़रूरत है, इसलिए आज हम सब माँ बगाज माता के चरणों में नजरबाग प्रांगण से संपूर्ण नगर की परिक्रमा टिकौड़ी करते हुए सीधे माँ बगाज माता के दरबार में पहुँच रहे हैं। और माँ के चरणों से मांगने के पहले ही उनने पानी गिरा दिया है। ये बगाज माता वास्तव में सच्ची मैया है। इन बगाज मैया के दरबार में जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, हमेशा माँ सबकी झोली भरती हैं। और आज हमने मंगल कामना उनसे की थी, अच्छी बरसात की, अच्छी फसल की, तो माँ ने पहुँचने के पहले ही पानी गिरने लगा और माँ ने हम सबकी मुरादें पूरी कर दी। तो मैं बेस प्रार्थना करता हूँ कि माँ की कृपा इस टीकमगढ़ विधानसभा की पूरी जनता पर बरसती रहे, हमारी जनता सुखी रहे, निरोगी रहे, कोई जनता पर संकट नहीं आए, हमारी जनता का घर लक्ष्मी और वैभव या कीर्ति से भरा रहे। आज जब हम लोगों ने देखा इतना भारी जनसैलाब, भारी जनसमर्थन, भक्तों का हुजूम सा उमड़ गया, इतना आपको लग रहा था कि इतने लोग पाएंगे? 500-600 ट्रैक्टर भी थे, लंबी लंबी कतार है वहाँ टीकमगढ़ से लेके लगभग यही तराहे तक। देखिए, माँ बगाज माता के प्रति सबकी आस्था है। और निश्चित तौर पर मैंने 5 वर्षों में जो जनता की सीधी सेवा की है, जनता से हम सीधे जुड़े हैं, बीच की जनता और विधायक के बीच की हमने जो दूरी खत्म की है, हम जनता से सीधे मिलते हैं, सीधी बात करते हैं। जब हमने जनता से व्यक्तिगत तौर पे आह्वान किया कि अच्छी बरसात के लिए, अच्छी फसल के लिए हम सबको माँ के दरबार में चलना है, माँ के चरणों में चलना है, तो सारी जनता एक फोन पर ही चली आई, ना मैंने ट्रैक्टर बुलाया ना मैंने वाहन बुलाया, सब अपने अपने वाहन, कोई ट्रैक्टर कोई मैजिक, जिससे जो बन पड़ा वो सब लेके आए हैं और इस यात्रा को सफल बनाया है। इसलिए मैं टीकमगढ़ विधानसभा की शहर क्षेत्रों, टीकमगढ़ नगर की जनता को, बड़ागांव की जनता को, कारी की जनता को और ग्राम टीकमगढ़ विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों की जनता को, पूरी विधानसभा की जनता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने यह माँ बगाज माता की यात्रा अपनी यात्रा समझ के इसको सफल बनाया है और माँ के चरणों में सबका आशीर्वाद पाया है। देखो, अभी भी बारिश हो रही है, विधायक जी रुक नहीं रही है बिल्कुल। निश्चित तौर पर ये माँ की कृपा बरस रही है और ये माँ की कृपा निरंतर इस टीकमगढ़ विधानसभा में बरसेगी और हमारे किसान खुशहाल होंगे, समृद्ध होंगे और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा जैसा माँ का हम सब पे आशीर्वाद होगा। देख रहे थे हम लोग, थी जिन्होंने आज चुनरी यात्रा निकाली। सुबह 11 बजे से चुनरी यात्रा निकली और पैदल चलते चलते भारी बारिश में अभी पैर रोका नहीं है, अभी और कुछ किलोमीटर बाकी है। लगभग कितने किलोमीटर की और यात्रा रही होगी? तो 5 किलोमीटर है, तो पानी गिर रहा है, तो जैसा जनता कहेगी वैसे ही चलेगी। 5 किलोमीटर की और यात्रा है लेकिन पैर लगातार चल रहे हैं। चुनरी यात्रा में आप लोगों ने लोगों का उत्साह देखा कि किस तरह से महिलाएं भी नाचते हुए बारिश में जा रही हैं चुनरी लेकर, की अगाध श्रद्धा है लोगों की बागाज माता मंदिर को लेकर। और बागाज माता मंदिर ने भी यहां के क्षेत्रीय किसानों की सुनी है, विधायक की जो मन्नत थी उसकी सुनी है और पानी लगातार बरस रहा है। आप लोग जैसे देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ में चल रहे हैं विधायक जी के, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे थे।